विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे वान्या एंड अद्विक. आप दोनों बहुत वंडरफुल एंड प्रेशियस गिफ्ट हो मम्मा एंड पापा के लिए. हम दोनों की तरफ से आपको बहुत सारी जन्मदिन की बधाइयाँ. एंड द ओनली वन थिंग दैट वी बोथ प्रे, आपकी जो आने वाले ईयर्स हैं वो ऐसे ही आप लोग चेयरफुल रहें, इंजॉय करें एक दूसरे के साथ में. एंड यू नो वट एवर आप लोग जैसे खेलते हो, आप लोग का जो बॉन्ड अभी डिवेलप हो रहा है एक साथ में, टू वॉच दैट थिंग टुगेदर एज फादर एंड मदर इज रियली ब्यूटिफुल. एंड हम लोग प्रे करते हैं कि दिस बर्थडे ब्रिंग्स लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड यू नो ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में. आई एम रियली हैप्पी. एक जो मेरा लास्ट वन ईयर था, यू नो एवरी मंथ हम लोग ने आपके सारे ब्यूटिफुल मेमरीज कैप्चर करे हैं. इट वॉज अ रोलर कोस्टर राइड डेफिनेटली. स्लीपलेस नाइट्स विथ नो आइडिया ऑफ यू नो वंस यू बिकम अ मदर आपको नहीं पता रहता है कि हम लोग को कैसे क्या चीज़ करना है. बट आई थिंक इट्स अ गॉड गिफ्ट. एंड उसके ऊपर से आई विल डेफिनेटली कॉल आउट कि विदाउट द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली एंड विक्रांत फैमिली डेफिनेटली ये जर्नी एक साल की पॉसिबल नहीं होती. फॉर स्मॉल थिंग कुछ भी रहता है आई यूज टू आस्क माई मम्मा एंड माई मॉम वॉज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी एंड टेल मी कि क्या है कैसे करना है. उसके अलावा विक्रांत की मॉम ने हमेशा माई मदर इन लॉ वॉज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी एंड टू टेक केयर ऑफ किड्स. हम लोग का कुछ भी अप डाउन रहता था, मम्मा अवेलेबल नहीं है तो मम्मी रायपुर से आती थी एंड देन फिर मम्मी जी जाती थी तो मेरी मॉम आ जाती थी टू स्टे एंड टेक केयर ऑफ किड्स. तो इट वॉज रियली वंडरफुल कि हाउ फैमिली एक साथ आके यू नो बींग अ ट्विंस. वो जर्नी एक बहुत डिफिकल्ट थी डेफिनेटली, बट क्योंकि हमारी फैमिली एंड हम लोग के मदर्स ने हम लोग को काफ़ी सपोर्ट किया है, इट वॉज वेरी स्मूथ जर्नी. एंड ऑलमोस्ट एक साल हो गया है एंड मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कैसे कैसे गया है लास्ट ईयर. आई जस्ट फील कि इट वॉज जस्ट अ ब्लिंक एंड इट जस्ट वेंट. आई एम सो हैप्पी टू वॉच बोथ ऑफ यू गाइज. आई मीन यू जस्ट वंडरफुल किड्स एंड थैंक्स गॉड कि यू नो आपने इन दोनों को हमारी लाइफ में भेजा है एंड आई एम वेरी हैप्पी. फॉर आई वुड ऑल्सो मैंशन इररिस्पेक्टिव क्या करना एज अ मदर, डेफिनेटली मम्मी थी, बट आई वुड डेफिनेटली मैंशन घर के सारे मेम्बर्स जो थे, कंसिडरिंग माई सिस्टर प्रेरणा, शी वॉज देयर ऑलवेज. उसको भी ट्विन्स हैं एंड उसने हमेशा, मैं बहुत परेशान हो जाती थी कि अरे ये कैसे हो गया, वन मंथ में अभी इसको वैक्सीन लगना है, हाउ द किड्स विल रिएक्ट. फ्रॉम सिंगल थिंग उसने मुझे हमेशा बताया है कि डोंट गेट पैनिक, टेंशन लेने की बात नहीं है, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब. डेफिनेटली अ मदर कैन नॉट बी परफेक्ट बट आई लाइक शी ऑलवेज गिव मी दैट मोटिवेशन दैट यू आर अ गुड मदर. सो आई एम रियली हैप्पी दैट माई सिस्टर वॉज देयर टू गाइड मी एंड टू गिव मी दी यू नो द करेक्ट डिसीजन दैट होम टू रीच आउट फॉर स्मॉलेस्ट थिंग रिलेटेड टू किड्स. मैंशनिंग माई सिस्टर इन लॉ कृति, शी इज बीन देयर एंड लाइक यू नो फॉर एनी थिंग रिलेटेड टू बच्चों का कुछ भी टेस्ट होता था या कुछ भी, तो मैं बहुत जल्दी पैनिक हो जाती थी, ओ माई गॉड ये क्या लेवल आ रहा है, ये अप एंड डाउन क्या हो रहा है. देन शी यूज़ टू टेल मी कि नहीं भाभी जस्ट रिलैक्स, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड वी बोथ एज अ फैमिली वी अंडरस्टैंड कि टाइम लगता है, यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट ईच डे, लाइक यू नो टेक अ स्मॉल स्टेप towards your goal and then definitely it will be a smooth journey. And so abhi kyunki main ye sab remember kar rahi hu bol rahi hu to mujhe just wo ek flashback ho gaya hai the day actually journey 1 year ki to nahi hai, matlab ये 2 साल की जर्नी हम लोग बोल सकते हैं. 9 months when she is pregnant और फिर 1 year के तो कितने हो गए. Yeah, before that also it was था because in that you have to take care of you know. It's okay, relax. So मेरे लिए तो जर्नी मतलब हम लोग स्टार्टिंग से ही दोनों मतलब कर रहे हैं, पर मम्मी लोग भी स्टार्टिंग मतलब 2 साल से ही हैं, मतलब देख रही हैं. मतलब हम लोग को कभी ये नहीं हुआ कि मतलब मेरा टूर रहता है, मैं कहीं जाता हूँ या तो फिर मम्मी रहती हैं या मेरी मदर इन लॉ रहती हैं, तो कोई ना कोई डेफिनेटली केयर करने के लिए था. तो मुझे वो था कि फ्रीडम की मैं जाके अपना काम कर सकता हूँ. तो मतलब ऑल टुगेदर एज ए मतलब फैमिली हम लोग ने बहुत अच्छा मतलब ये जर्नी रहा
और इन लोग 1 ईयर के हो गए, डेफिनेटली मतलब दिस इज मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अभी वो पूरा मतलब 2 ईयर्स का जर्नी पूरा रिमेम्बर आ रहा है कि फ्रॉम द डे व्हेन वी हर्ड दैट शी इज प्रेग्नेंट टिल नाउ. या एंड देन बिगेस्ट ट्विन से तो शुरू से डॉक्टर्स थोड़े ज्यादा एम्फेसिस करते हैं व्हाट डाइट यू हैव टू टेक, यू नो एक बेबी का वेट कैसा है, दूसरे बेबी का वेट कैसा है. तो एज अ मदर आई वॉज ऑलवेज वेरी कॉन्शियस कि यार कुछ तो इफ यू नो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. बट आज जब मैं देखती हूँ कि ना दे हेल्दी, देर इज नो इश्यू विद देम, दे आर टोटली फाइन द वे दे प्ले, कुछ भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए. तो आई फील दैट ये 1 ईयर यू नो व्हाटएवर आई डिड वाज गुड एंड यू नो ऑलवेज प्रे कि ऐसे ही आगे रहे हमारी फैमिली का सपोर्ट. एंड बीट माई फादर इन लॉ, माई मम्मा, माई मदर इन लॉ, यू नो 4 of them, दे वर वेरी कोऑपरेटिव. काफ़ी टाइम मेरा फ्रस्ट्रेशन निकला है, अभी भी निकलता है घर पे. यू नो आई गेट वेरी फसी एट टाइम्स व्हेन दे क्राई बोथ ऑल टुगेदर एंड ऑल, बट देन आई हैव यू नो माई फैमिली एंड माई पेरेंट्स सपोर्ट दैट टेक केयर कि ओके फाइन, यू नो यू हैव टू कूल डाउन, यू हैव टू रिलैक्स. सो थैंक यू सो मच एवरी वन आई यू नो टू शो दैट जेस्चर. आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई थिंक इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है हमारी लाइफ में. इट वॉज लाइक समथिंग, थैंक्स इज अ वेरी स्मॉल वर्ड आई वुड से, बट वॉट हम आप लोग ने हमारे लिए जो किया है इट्स समथिंग दैट यू नो वी कैनॉट पे ऑफ एंड इट्स लाइक यू नो आई जस्ट कैनॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, आई एम स्पीचलेस. सो थैंक यू अ लॉट. आप बोलिए. नो नहीं.